नमस्कार। बड़ी संख्या में प्रदेश की औद्योगिक इकाइयां पलायन कर रही हैं। वर्तमान कांग्रेस सरकार जिस प्रकार से कदम उठा रही है, ऐसा लगता है कि इंडस्ट्री को पलायन करने के लिए फेयरवेल दे रही है। उद्योगों को प्रताड़ित करने के लिए सरकार ने बिजली के दरों में 10 से 25% की बढ़ोतरी कर दी है। गत 4 सितंबर 2023 को आई नोटिफिकेशन के अनुसार एचटी लाइनों के अधीन आने वाले उपभोक्ताओं को 11% से 19% ड्यूटी कर दी गई है, जबकि एक्स्ट्रा हाई टेंशन वायर्स पर यह 13% से 19% कर दी गई है। स्वयं आपदा को मुद्दा बना रही सरकार आखिर उद्योग व व्यवसायियों पर यह आपदा क्यों ला रही है? घरेलू उपभोक्ताओं पर 3% व कृषि क्षेत्र में कार्यरत इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों पर 3 से 5% की वृद्धि करके अत्यधिक बोझ क्यों डाला जा रहा है? वहीं सीमेंट व क्रशर उद्योगों पर 17% से 25% ड्यूटी कर दी गई है, जो आपदा की इस घड़ी में महंगाई को एक और आमंत्रण है। हद तो तब हो रही है जब 5 लाख रुपए से 20 लाख के मध्य कीमत वाले डीजल जनरेटर्स को, जो बिजली ना होने की आपात स्थिति में उपयोग में लाए जाते हैं, निजी संस्थानों द्वारा, जैसे होटल्स हो गए, अस्पताल हो गए, कोई व्यावसायिक सेंटर्स हो गए, कोई कोल्ड व सीए स्टोर्स हो गए, अब उन पर भी बिजली विभाग अपना मीटर लगाने जा रहा है। प्रदेश में 6 रुपए 50 पैसे अतिरिक्त कीमत का डीजल खरीदकर उसमें डालने वाले अब 45 पैसे प्रति यूनिट सरकार को भी देना होगा अपने खरीदे हुए जनसेट पर। पहले से मंदी की मार झेल रहे ऐसे निजी संस्थानों व उद्योग जगत पर ऐसी फिरौती कितनी तर्कसंगत है, जबकि हिमाचल में छोटे उद्योग, होटल, अस्पताल वो बड़ा हिस्सा कार्यरत है, जिसमें मीडियम एंड स्मॉल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री भी आती है। आखिर इन छोटे व मध्यम उद्योगों को सरकार क्यों प्रताड़ित करना चाहती है, जबकि गत 7 महीने पूर्व सरकार ने अपने बजट भाषण में कहा था कि हम प्रदेश को ग्रीन स्टेट बनाएंगे व प्रत्येक जिले में 2 पंचायतों को ग्रीन पंचायत बनाएंगे, 250 किलोवाट से लेकर के 2 मेगावाट तक सोलर यूनिट्स लगाने जा रहे हैं व निजी क्षेत्र में 40% की सब्सिडी भी दी जाएगी। सरकार को यह जनता को बताना चाहिए कि कितने लोगों को सरकार ने सब्सिडी दी, कितने सोलर यूनिट को उन्होंने अनुमति दी। यह केवल झूठी गारंटियों की तर्ज पर बजट के समय भी हवाई किले बना रहे थे। सुख की सरकार जिस तरह से विकासात्मक योजनाओं को फेयरवेल दे रही है, 2024 में जनता भी इसी फेयरवेल की तैयारी कर रही है। धन्यवाद।